आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में और डिसइंफेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन होते हैं, तो वो उसके जो मेथड है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड क्या क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में तो हम जानेंगे सिर्फ जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन है तो उसके फिजिकल मेथड के बारे में, और अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम जानेंगे इसके केमिकल मेथड्स के बारे में। तो इसमें जानेंगे हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के फिजिकल मेथड्स में। तो ये मेथड होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। एक तो रहेगा सनलाइट, दूसरा रहेगा हीट, तीसरा रहेगा फिल्ट्रेशन, चौथा रहेगा रेडिएशन। तो इनको डिटेल में जानने से पहले हम जानेंगे स्टरलाइजेशन क्या होता है और डिसइंफेक्शन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर इन वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। तो ये स्टरलाइजेशन होता है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसमें आर्टिकल सरफेस और जो मीडियम है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाएगा। अब हम जानेंगे डेफिनेशन डिसइंफेक्शन की। तो डिसइंफेक्शन में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है और पैथोजेंस है तो उनको, जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिज्म की जो स्पोर फॉर्म है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। अब हम जानेंगे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के मेथड्स के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ हम फिजिकल मेथड्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले रहेगा सनलाइट, दूसरा रहेगा हीट, तीसरा रहेगा रेडिएशन और चौथा रहेगा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे सनलाइट को दिया नहीं गया है लेकिन वो भी फिजिकल मेथड्स में आएगा और वो डिसइंफेक्शन का काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सनलाइट के बारे में। सनलाइट स्टरलाइजेशन का नेचुरल मेथड होता है और इसके द्वारा हम टैंक, रिवर, लेक, इसका जो वाटर होता है उसको स्टरलाइज करते हैं। और इसके अंदर जो सूर्य की रोशनी होती है, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि जर्मिसाइडल का काम करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। सनलाइट के बाद में जो फिजिकल मेथड आएगा तो वो रहेगा हीट। तो हीट के अंदर भी ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दो प्रकार की होती है। तो ड्राई हीट के अंदर जानेंगे हम रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन के बारे में। ड्राई हीट के अंदर हम जानेंगे रेड हीट को। तो रेड हीट के अंदर क्या करते हैं, बंसन बर्नर होती है तो उसकी फ्लेम के अंदर मटेरियल को तब तक हम होल्ड रखते हैं जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। तो इसके अंदर हम इनोकुलेटिंग वायर, लूप, टिप्स ऑफ फोर्सेप, नीडल्स आदि को स्टरलाइज करते हैं। हीट का दूसरा मेथड रहेगा फ्लेमिंग। तो इसमें भी बंसन बर्नर होती है तो उसकी फ्लेम के अंदर से, उसकी फ्लेम के ऊपर से हम मटेरियल को पास करते हैं और इसमें हम उसको तब तक ऊपर नहीं रखते कि तब तक वो रेड हो जाए। इसमें सिर्फ उसकी जो फ्लेम रहेगी उससे पास करेंगे। तो इसमें ग्लास स्लाइड, स्काल्पल, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब, तो इनको हम स्टरलाइज करते हैं। ड्राई हीट का ये थर्ड मेथड रहेगा इंसिनरेशन। तो इसमें जो इंसिनरेटर मशीन होती है तो इसके अंदर हम जो मटेरियल है उनको डाल देते हैं और ये जल के राख में बदल जाता है। तो इसके अंदर हम सॉलिड ड्रेसिंग, एनिमल कार्सेस और बेडिंग और पैथोलॉजिकल मटेरियल होता है तो इनको इंसिनरेट करते हैं। ड्राई हीट के अंदर लास्ट रहेगा हॉट एयर ओवन और ये मोस्टली वाइडली यूज मेथड है। इसको मोस्टली यूज किया जाता है और इसके अंदर एक फैन लगा रहता है जो कि जो हीट रहती है उसको चेंबर में चारों ओर फैला देता है और एक थर्मो स्टेट रहता है जो कि इसका जो हीट रहता है उसको मेंटेन रखता है। यदि इसको हम चलाएं तो अगर हमें 2 घंटे तक चलाना है तो इसका जो टेम्परेचर है वो 160 तक रखेंगे। अगर 1 घंटे चलाएंगे तो 170 सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर रखेंगे और यदि हमें आधा घंटा चलाना है तो इसका जो टेम्परेचर है वो 180 पे रखेंगे स्टरलाइजेशन के लिए। और इसका हम जो यूज करते हैं तो हम यूज करेंगे ग्लासवेयर जैसे कि सिरिंज, पेट्री डिस्क, पिपेट्स और टेस्ट ट्यूब होते हैं तो इनको स्टरलाइज करने के लिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्काल्पल, सीजर्स, फोर्सेप्स, तो इनको स्टरलाइजेशन करने के लिए। केमिकल लिक्विड जैसे पेराफिन, फेट आदि को स्टरलाइजेशन करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। अभी हम जाने थे हीट के अंदर ड्राई मेथड के बारे में, अब हम जानेंगे मॉइस्ट हीट के अंदर इसके अंदर क्या क्या मेथड है। तो टेम्परेचर के आधार पे जो मॉइस्ट हीट है तो उसको हमने 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया है। ये रहेगा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 800 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले जानेंगे स्टरलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो टेम्परेचर है उसको 100 डिग्री से नीचे रखेंगे और इसके द्वारा हम पाश्चुराइजेशन विधि के द्वारा जो मिल्क है उसको स्टरलाइज करते हैं।
हीट मोस्ट स्टरलाइजेशन में दूसरा मेथड रहेगा टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम जो टेम्परेचर है उसको 100 डिग्री पे रखेंगे और इसके अंदर हम बॉइलिंग, टेंडलाइजेशन और स्टीम स्टरलाइजेशन के मेथड के आधार पर स्टरलाइजेशन करेंगे। बॉइलिंग, तो बॉइलिंग में हम 10 से 30 मिनट तक पानी में बॉइल करते हैं जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता है और उसकी जो वेजिटेटिव फॉर्म्स है वो किल हो जाएगी। बॉइलिंग के अंदर यदि हम 10 से 30 मिनट तक बॉइल करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उनकी जो वेजिटेटिव फॉर्म्स है वो किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। टेंडलाइजेशन, तो इसका यूज हम एग, सीरम, शुगर कंटेनिंग मीडिया आदि को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं और इसमें हम स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे 20 मिनट के लिए और ये प्रोसेस हम 3 दिन तक लगातार करेंगे। लास्ट है स्टीम स्टरलाइजर, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे 90 मिनट तक। मॉइस्ट हीट में ये थर्ड मेथड रहेगा, तो इसमें हम टेम्परेचर है उसको 100 डिग्री से अबव रखेंगे। जो टेम्परेचर 100 डिग्री से अबव रहेगा तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं और उनकी जो वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो ऑटोक्लेव होता है वो किस प्रकार का होता है और ये किस प्रकार से काम करता है और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टरलाइज करेंगे। ये रहेगा हमारा ऑटोक्लेव, तो ये जो हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का जो मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें जो मॉइस्ट हीट है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री से अबव रहेगा तो उसके अंदर आएगा, तो इसके द्वारा हम स्टरलाइजेशन करेंगे। तो ये जो ऑटोक्लेव है दो प्रकार के रहते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये वर्टिकल रहेगा तो ये किस प्रकार से काम करेगा वो हम देखते हैं। ये हम ड्रेप स्टरलाइज करेंगे, तो उसके लिए हमने ड्रम में स्टरलाइजेशन के लिए ड्रेप लगा दिए हैं और इसको ढक्कन लगा के स्टरलाइज करेंगे। ये ड्रेप लगाने के बाद में हमने इसको ऑन कर दिया है। यहाँ पे जो ये रेड लाइट है ये दिखा देगी कि ये ऑन है और यहाँ पे इसका ये मीटर लगा है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो रखेंगे हम इसमें 15 IB पर इंच स्क्वायर, तो इस पर आ जाएगा ये। तो हमारा जो स्टरलाइजेशन है ये आधे घंटे के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइज हो जाएगा और इसमें ये रहेगा सीटी रहेगी, तो स्टरलाइजेशन होने के बाद में ये यहाँ से स्टीम है वो निकलेगी और बाद में निकालने के लिए इसको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे स्टीम को और उसके बाद में इसका जो ढक्कन है इसको हटा के हम हमारे जो ट्रेप है उसको निकाल लेंगे। इसमें आधा घंटा लगेगा और ये जो सुई है वो हमारी 15 पे आ जाएगी, तो तब हमारा जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे दो मशीनें लगी हैं, ये कौन सी मशीनें हैं? ये ऑटोक्लेव मशीन है। तो यहाँ तो इसमें कैसे हम ऑटोक्लेव करेंगे? ये ड्रम जो है ना वो ऊटी से आते हैं, इनके लिए गांव कपड़े हैं ऊटी के सभी ड्रम। स्टीम बन रही है, अभी मशीन चालू है, ये इस तरीके से आते हैं ड्रम हमारे यहाँ। जाली टूल भी लगाते हैं। ये जाली क्यों खोलते हैं? इसके अंदर स्टीम जा सके जिससे ऑटोक्लेव हो जाएगी और ऑटोक्लेव होने के बाद में इसको बंद कर देते हैं निकालने के बाद। और ये क्या लगाते हैं? ये आप प्रॉपर ऑटोक्लेव के लिए ये चक लगाई जाती है। अच्छा, तो इससे इंडिकेट होता है। हाँ, ये अभी व्हाइट है, ऑटोक्लेव होने के बाद ये ब्लैक पड़ जाएगी। अच्छा, इसमें दो लाइनें आ जाएगी। अच्छा, अभी हमने रख दिया और बंद कर देंगे। निश्चित टेम्परेचर पर तबने के बाद तो इसमें हो जाएगा। ये है टेम्परेचर मीटर जी। तो इसमें ये जो सुई है, ये वाली सुई है जो ये 1.5 पर आ जाएगी तो ये ऑटोक्लेव हो जाएगी और इसको स्टीम को छोड़ दिया है नीचे
नीचे वाली टंकी बन रही थी, अब इसमें स्टीम को छोड़ दिया है आने। अच्छा, इसमें स्टीम बन रही है पानी के द्वारा। अच्छा, और ये मीटर है इसमें 120 तक ले जाते हैं जी, और 45 मिनट का समय लगता है लगभग उसको। इसमें लगेगा 45 मिनट का समय। ये अपन ने जो चिट लगाई थी ये वाला इसलिए ब्लैक हो चुका है, इसका मतलब स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का जो फिजिकल मेथड है तो उसमें तीसरा मेथड रहेगा फिल्ट्रेशन। तो जो फिल्ट्रेशन है उसका यूज हम ऐसे सबस्टांस के लिए करते हैं जो कि हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसका यूज हम करेंगे सीरा, शुगर, एंटीबायोटिक सोल्यूशन, तो इनको स्टरलाइज करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। दूसरा फिल्ट्रेशन का हम यूज करेंगे वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। ये जो फिल्टर रहते हैं ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि कैंडल फिल्टर, एस्बेस्टोस डिस्क फिल्टर, सिंट्रेट ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, एयर फिल्टर, सिरिंज फिल्टर। फिल्ट्रेशन के अंदर आता है हेपा फिल्टर। तो ये क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनकी साइज 0.3 माइक्रोन्स होती है तो उनको ये फिल्टर कर देता है, और एयर पार्टिकल्स, डस्ट, इनको सबको ये फिल्टर कर देता है। तो ये भी हमारा जो हेपा फिल्टर है ये डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन का काम करेगा। फिजिकल मेथड में लास्ट मेथड रहेगा रेडिएशन। तो ये दो प्रकार का रहता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशन तो इसके अंदर आएगा एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सभी स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का काम करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आएगा इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट यूवी रेज। तो ये बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, और इस प्रकार से ये डिसइंफेक्शन का और स्टरलाइजेशन का काम करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने जाना डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड के अंदर। तो ये रहेंगे हमारे सनलाइट, हीट, हीट दो प्रकार की थी, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। दूसरा हमने जाना था इसका जो फिल्ट्रेशन मेथड, और लास्ट जाना था इसका रेडिएशन मेथड।